आज जा रहे हैं हम सोनमर्ग, मीट ऑफ गोल्ड। ऐसे लग रहा है बर्फ से अभी पानी बना है। अच्छा, हमको शिकार टी ब्रेक के लिए। बारिश हो रही है, थोड़ी देर आग सेक रहे हैं हम लोग। आग सेक के आ चुके हैं, बर्फ सेकने घोड़े की एक टाप से कीचड़ उछला, उसमें गोबर का मिश्रण भी मेरे मुंह पे लगा है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है इन दिनों हम कश्मीर में हैं। आज जा रहे हैं हम सोनमर्ग। तो हमारे साथ है रव, मीट ऑफ गोल्ड, पीछे मुगैर और अक्सा, आगे शायद देख पाएंगे तो आप। आगे है उमर और माजिद भैया। तो अभी हम यहाँ रुके हैं, थोड़ा नदी को करीब से देखेंगे। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे नदी है और पानी की आवाज़ शायद आ रही होगी आपको। मैंने अभी माइक तो हटाया है, इसमें ना पाओगे। नहीं भाई, इस पानी में तो नहीं, ये खुद भी नहीं धुल पाएगा। परमानेंटली धुल जाऊंगा मैं। ये देखिए ग्लेशियर से निकल रहा है पानी, पूरा पानी को छू के देखते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ। ये तो तगड़ा पानी है, जबरदस्त। बहुत ठंडा पानी है ये। ऐसे लग रहा है बर्फ से अभी पानी बना है। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो दोस्तों जबरदस्त पानी, अभी मैंने छू के भी देखा, आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं। और एकदम ऐसे लग रहा है जैसे अभी बर्फ से पानी बना हो, बहुत ठंडा पानी है, ग्लेशियर पिघल रहा है ऊपर से, वो पानी आ रहा है ये यहाँ पे। देखिए कैसा नजारा है, जबरदस्त। और मैंने माइक लगाया हुआ है इसलिए मेरी आवाज आ रही होगी, वरना बिना माइक के यहाँ पे हवा की वजह से और पानी की आवाज की वजह से आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी, कैप्चर हो पा रही थी। ये देखिए ये सारा पानी वहां से आता है ऊपर पहाड़ों से। तो अभी हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके हैं, फिर निकलते हैं वापस। अब यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है। हाँ, अभी हम चाय पी रहे थे, देखिए आसपास का नजारा, रऊफ मुगैर और हवाएं चल रही है ठंडी।
गजब आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्मी के ट्रक्स भी हमें कई जगह देखने को मिले। तो दोस्तों, कार की विंडो से बाहर आपको बहुत सारे घोड़े देखने को मिल रहे होंगे। जो टूरिस्ट पहाड़ चढ़ नहीं सकते हैं, वो लोग इन्हीं घोड़ों पे अपना सफ़र तय करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोगों ने ऊपर से जो ग्लेशियर का पानी आ रहा है उसी के जस्ट बगल में टेंट वेंट भी लगाए हुए हैं। लगता है इनका ट्रैकिंग वगैरह का काफ़ी लंबा प्लान है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आए हुए। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं और मुझे तो यहाँ ठंड लग रही है। हाँ, ये यहाँ कार पार्क की है और मैंने तो यहाँ पे विंडचीटर पहन लिया है क्योंकि हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। जबरदस्त हवाएं चल रही है और मुझे तो काफी ठंड लग रही है। धूप भी है हालांकि, लेकिन हवा ठंडी चल रही है। इतनी बेइज्जती कर दी है तेरी पास्ट में, समझ नहीं आ रहा। मेरा रुख करता तुरंत था, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं कर रहा मैं, मुगैर कर कर रहा हूँ, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और हम लोग अभी लंच करने के लिए कोई रेस्टोरेंट देख रहे हैं। तो फाइनली हम लोग वेज के लिए पहुँचे हैं डोगरा वैष्णव भोजनालय पे। ये देखो, बारिश का मौसम हो रहा है, अभी धूप थी यहाँ पे और अब चाय का मन बन रहा है। और यहाँ पे वेज नॉन वेज साथ में नहीं मिलता है, तो हमें यहाँ से वेज की एक प्लेट अलग से ले रहे हैं और फिर साथ में खाएंगे। देखिए मौसम बारिश जैसा होने जा रहा है, अभी तो धूप थी और बारिश होने लगी है, अभी हमने लिए ही थे बस। यहाँ पे हम लोग कुछ नॉन वेज खाने आए हैं। भाई हम लोग मतलब मेरे को छोड़ के, मुझे लगा खुशखबरी। इसके लिए राजमा चावल पहले ही ले लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे दरअसल ऐसा है कि या तो आपको भाई साहब एकदम अखंड वैष्णव ढाबा मिलेगा, इसमें सिर्फ वेज मिलता है, या फिर यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज मिलता है। तो ये जो हो रखा है ना, ये बंटवारा ठीक बात नहीं है। तो चलो खैर, हमने उसका तोड़ निकाल लिया कि पहले वेज खरीद लिया, यहीं पे खा रहे हैं साथ में, ताकि कोई साथी अकेला ना रहे। तो हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम चलेंगे पहाड़ों पर। यहाँ कार पार्क की है, थाजीवस ग्लेशियर बोलते हैं उस जगह को, हिमखंड अभी हम जाएंगे, ग्लेशियर है वहाँ पे, ऊपर चढ़ के जाना है। आधा हमने गाड़ी से चढ़ाई की है, पहाड़ी की पहाड़ी है। It's raining here. Yeah, हाँ, रुकना पड़ेगा। It's not drizzling actually, it's raining. यहाँ थोड़ी देर पेड़ के नीचे। तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको कहाँ बैठा हूँ।
जबरदस्त सीन है यहाँ का। अभी रुक रहे थे तो बारिश आने लग गई, चल रहे हैं तो रुक जा रही। हवा देखिए, खून को जमा दे ऐसी हवा है। हवा में जो ठंडी है, जो ठंडक हवा में है ना, देखो ऐसी चढ़ाई कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं भाई प्रिलिमिनरी लेवल की ट्रैकिंग। दूर वो जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर तक जाएंगे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। इतना कुछ नहीं लग रहा है, मजे कर रहे हैं और कुछ नहीं। 250 रुपए काटे इसके ज्यादा काटने पड़ेंगे भाई पैसे। बिल्स का वो बनने की कोशिश कर रहे हैं हम। चट्टानें छोटी छोटी पत्थर हैं। ये देखो घोड़े हैं ना, और एक ये भी घोड़ा है राउफ नाम का। सुलेमानी घोड़े हैं। तुम खुद की बात कर रहे हो जी? चेतक। तो दोस्तों हमें एक घोड़ा रास्ते में मरा हुआ भी मिला, और ये चारों तरफ हरियाली और बीचों बीच घर बना हुआ है। देखो गाइस गाड़ी में कुछ नहीं पता चलता, वही तो इसलिए चढ़ के जब मजा जाए चाहे वहाँ ग्लेशियर पे लेट जाए। उधर से कभी बारिश हो रही है। और ये घोड़ों की एक लंबी कतार जिसपे टूरिस्ट सवार हैं। ये दोस्तों हमारे पीछे आपको ग्लेशियर नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे ग्लेशियर पीछे देखिए, देखिए बारिश की वजह से कैसा लग रहा है। Come on, come on, come on. Let's go, let's go. अच्छा, जाना है कि उधर जाना है कि इधर जाना है, ये भी पसंद नहीं है। मुगैर अपनी पीठ पे उठा के ला रहे हैं क्रॉस कराने के लिए। कैसा लगा रहा हूँ? हम कर सकते थे देखिए क्रॉस कर रहा हमारे साथ। उमड़ने की किया लेकिन राउत ने छड़ी होती तो हम कर लेते, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसे हम तो कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े फेंसिंग की हुई है देख सकते हैं। देखिए पानी बह रहा है ऊपर से आ रही है, ग्लेशियर से आ रहा है आप देख सकते हो। और राउफ ने मुगैर की चप्पल तोड़ दी है। बेमोहब्बत में उलझने वाले रंगी कहानी। तो देखिए हमें यहाँ जाना है, बारिश की वजह से दिख भी नहीं रहा है पर कैमरे के बिना सही दिख रहा है। कैमरे के बिना सही दिख रहा है, कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहा लेकिन।
तो बारिश हो रही है, इस डिस्टेंस का मेंटेन ऐसे रुक रुक के चल रहे हैं, इस डिस्टेंस का सभी पे चाप लेते हैं। यहाँ थोड़ी देर शेल्टर लेंगे, खाना आवश्यक है साथियों, थोड़ी देर शेल्टर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बारिश तो ठीक ठाक हो गई है, बर्फ आने ये इतना बड़ा ग्राउंड जो है ये गाड़ी के लिए अभी मुगैर ने बताया कि यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है आसपास ही, यहीं आसपास ही, और ये आप देख लीजिए, हम लोग अभी जब तक बारिश हो रही थोड़ी देर रुके हैं यहाँ, ये प्राकृतिक शेल्टर। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ जा रहे हैं हम, केवल का क्या नाम है इस केवल का? चलो ये तो नोच बढ़िया दो। क्या जबरदस्त आवाज आ रही है पानी की, देख सकते हो क्या जबरदस्त नजारा है पीछे का, और इधर उमर फोटो ले रहे हैं, और पीछे ग्लेशियर से पानी आ रहा है। हाँ, ये पानी की आवाज आपको सुनाई आ रही होगी बहुत। ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त पानी आ रहा है, और यहीं पे अभी हमने फोटो भी ली थी। हाथ जमने लगे हैं मेरे तो, ऐसा लग रहा है, अभी माइक निकाल रहा था, लगा रहा था तो तब लगा मुझे। थोड़ी देर आग सेक रहे हैं हम लोग, यहाँ पास में ढाबा है मुगैर, यहाँ हमारी मुलाकात टूरिस्ट से हुई जो हरियाणा और महाराष्ट्र से थे, और यहाँ तक का सफर उन्होंने घोड़े पर तय किया था। चाय भी उतनी गर्म नहीं लग रही। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आग सेक रहे हैं, अब तो धुआं आने लगा जैसे ही मैंने आग वीडियो बनाना शुरू किया। जून में आग सेक रहे, बाहर बारिश हो रही है, बारिश रुके तो हम कुछ आगे बढ़े। चाय पी है हम लोगों ने, चाय 10 बज रहा है क्या आज तो हमारा राउत पे ही जा रहा है, हमारा तो प्लान पे जा रहा है, हम लोग साथ में बैठते हैं बराबर। प्लान तो रेस का था यार, देखिए मेरी दोनों तरफ पानी है, और ये ब्रिज है, आग सेक के आ चुके हैं, बर्फ सेकने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आए हैं हम लोग, निगाहों में देख वो मेरी जो है बस गया। ये देखिए सामने क्या नजारा है, जबरदस्त। ये पत्थर ग्रीन कलर के हैं, ये ग्रीन कलर के पत्थर, ये पत्थर ग्रीन कलर के तो लग रहे हैं। क्या रहा, थक गया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं नहीं तो थक रहा मैं। चलो 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 गाइस, चलो।
पूरा कीचड़ कीचड़ और स्लिप भी हो रहा है। ये देखिए कैसा लग रहा है, यहाँ से नीचे से आए हम एकदम खड़ी चढ़ाई। क्यों रहो, कितना कीचड़ है, स्लिप हो रहा है पूरा पाँव। आप नहीं चढ़ सकते। अच्छा, आप मुझे कंधे पे चढ़ा रही हो? राहु आराम से, देखो बहुत ज्यादा कीचड़ कीचड़। ये देखिए ऊपर और चढ़ाई है, चढ़ाई है। देखिए यहाँ से यहाँ से घोड़े आगे एक साइड से एक साइड से ओ ओ और तरह से आराम से एक तरफ घोड़े हैं। दिक्कत चढ़ाई नहीं है, दिक्कत है ये जो फिसलन हुई है बारिश होने के बाद। नीचे नीचे आ जा, नीचे आ जा, रुक नीचे चलो। पूरे पांव धस जा रहे हैं इसमें। आओ आराम से, राइट मत होना, रहो राइट से गिर जाएगा तू। बहुत पूरा देखिए, अगर यहाँ से बाई चांस पैर स्लिप हुआ कितनी गहराई में जाएंगे। बस अभी मैं और रहो लीग की अगुवाई कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हम फिलहाल लीड तो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं अभी। हमारी रहनुमाई में हमारी ये टीम देखना कहाँ पहुँचती है। आज नेचर को छूकी मानेंगे। इसके साथियों आप घोड़े देख पा रहे होंगे, ये जो घोड़े हैं अभी यहाँ पे बारिश की वजह से मसला थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ है। देखिए कीचड़ में ग्रिप बना पाना मुश्किल है, और अगर थोड़ी सी भी यहाँ से पैर फिसलता है तो दुर्घटना घट जाएगी, और थोड़ा सा भी लापरवाही बड़ी मिस का आपका कारण बन सकती है। तो बहरहाल देखिए जो घोड़े आ रहे हैं, घोड़े की एक टाप से कीचड़ उछला, उसमें गोबर का मिश्रण भी मेरे मुंह पे लगा है। थोड़ा क्रॉस कर रहे हैं ये छोटा सा रास्ता, पानी देखिए ऊपर से बह के आ रहा है, यहाँ पाइप भी लगे हुए हैं जिनसे पानी जा रहा है। बहुत पास है, क्या हुआ रहो रहो, देखो देखो इसके ड्रामे देखो, पानी में राउफ मेरे पास पैर रखना है, यहाँ यहाँ। और राउफ ने कर लिया फाइनली। अभी हम जिस ब्रिज पे, ये वुडन है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है और नीचे पानी है, पानी में पत्थर कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ये पानी हिल रहा है इसलिए। हाँ ये इतनी दूर से नजर आ रहा है कि हम हैं इसके पास हैं, अभी अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन अभी भी दूर है। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा नजारा है, मैं बोल बोल के थक गया लेकिन देख देख के नहीं थका हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ग्लेशियर के एकदम पास यहां पर रेस्ट करने के लिए टेंट वगैरह लगाए हुए थे लोगों ने, और टूरिस्ट को वापस ले जाने के लिए यहाँ पे घोड़े भी थे बहुत सारे। और ये देखिए कितने पास आ चुके हैं हम लोग। आ गया। फूलों को पार करते हुए
So finally guys, हम लोग पहुंच चुके हैं. बर्फ आपको पीछे नजर आ रही होगी और पीछे बच्चे स्लाइड भी कर रहे हैं. क्या राहुल जी क्या कर रहे हैं? Finally we made it guys. बर्फ को मैं छूके देख रहा हूँ पहली बार. पहली बार ये वाली बर्फ नहीं, ये तो फ्रिज में भी मिल जाएगी तुम्हें. वैसी है हाँ, पर थोड़ा ठीक है, सेम फ्रिज जैसी है. पर जो बर्फ, जो ताजी बर्फ होती है. यार हाथ हाथ कोई उम्र मुझसे तो ना. 20 रुपए चार्ज बोलता है, मैं दे दूंगा. यार 20 रुपए चार्ज स्लाइड. चलो चलो 20 चलो 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 ऊपर चलो ऊपर ना, ऊपर से कराओ ना यार भैया, और ऊपर से कराओ ना. इसमें क्या मजा है, अभी गिरते पड़ते हैं हम लोग. ऊपर आए हैं ऐसे तो हम, इतना तो हम खुद ही कर लेंगे. पैंट्स गंदी हो गई हमारी और क्या. उमर हेलो पीपल हेलो. ब्रो खुद तो गिर रहा मुझे. आजा आजा अरे आजा ओए. थोड़ा और ऊपर से. बाश तोला तो यहाँ पे कुछ बच्चे थे जो स्लाइड करा रहे थे, तो हमने भी स्लाइड की. इसके लिए हम थोड़ा ऊंचाई पे जा रहे हैं, बर्फ पे चढ़ रहे हैं. ये मिस्टर केवल. तो गाइज हम लोग पहुंच चुके थे जैसे कि आपको दिखाया. अभी हमने कुछ स्लाइड्स भी की, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा फोन डेड हो चुका है. साथियों ये हिमखंड है, ग्लेशियर है और पीछे पीछे ये देखिए यहाँ से हम पहुंचे भाई. अभी मैं दिखाता हूँ आपको. गिरते पड़ते कूदते फांदते लेटते बैठते. तो गाइज ये देखिए ये बर्फ है और यही आगे पानी बह रहा है, इसी से पानी बनकर. और यहाँ पे हमने स्लाइड्स की, देखिए ऊपर से वहां से आए थे. क्या जबरदस्त नजारा है. अब वापस चलेंगे, मेरा फोन डेड हो चुका है. दोस्तों क्या जबरदस्त नजारा आ रहा है, अब वापस जा रहे हैं हम लोग. मेरा फोन तो डेड हो चुका है राउफ के फोन से. और बहुत ही पतला रास्ता है, देखिए सिर्फ पांव रखने तक का रास्ता है जी, पगडंडी. इसलिए तो सीधा नीचे देख सकते हैं आप. और ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहे हैं. तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वापस लौटते हुए की वीडियो है और बहुत ही पतला सा रास्ता था. हम वापस जल्दी लौट गए थे लेकिन आने में बहुत टाइम लगा था. बहुत खूबसूरत नज़ारे इस वीडियो में भी कैप्चर हुए हैं.